हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल टाइपोलॉजी के बारे में। ये पार्ट टू है और आई बटन पे आप क्लिक करके पार्ट वन देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। और यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशनल टाइपोलॉजी के बारे में बात करें, यानी ऑर्गेनाइजेशन के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, या आप इसको सिंपल टर्म्स में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड किया गया है, विभिन्न आधारों पे उसका वर्गीकरण किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शंस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया है, प्राइमरी बेनिफिशियरी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है, अथॉरिटी के बेसिस पे, फॉर्म्स के बेसिस पे, या कुछ अदर बेसिस हैं जिनके आधारों पे ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ओनरशिप, साइज, लीगल एंटिटी या एरिया के आधार पर भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किया गया। ऑर्गेनाइजेशनल टाइपोलॉजी पार्ट वन में मैंने फंक्शंस के बेसिस पे आपको ऑर्गेनाइजेशन के सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, और बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अथॉरिटी और फॉर्म्स के बेसिस पे जो भी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में मैं फंक्शन, अथॉरिटी और फॉर्म्स के बेसिस पे जो भी टाइप्स है ऑर्गेनाइजेशन को उसको डिस्कस नहीं करूंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्राइमरी बेनिफिशियरी के आधार पे और अदर जो बेसिस है उन्हीं के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स को डिस्कस करूंगा। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी। प्राइमरी बेनिफिशियरी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होता है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का लाभ किसी न किसी व्यक्ति, किसी न किसी पार्टी को जरूर मिलता है, और उस व्यक्ति या उस पार्टी को ही हम प्राइमरी बेनिफिशियरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल बना है तो उसका लाभ, उस हॉस्पिटल का लाभ किसी न किसी पार्टी, किसी न किसी पर्सन को जरूर मिलेगा। तो ऐसे में वो जो पेशेंट होगा वही प्राइमरी बेनिफिशियरी होगा। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन को चार भागों में बांटा गया है। पहला है म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी मेंबर होते हैं वही प्राइमरी बेनिफिशियरी होते हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं उन्हीं को उस ऑर्गेनाइजेशन का लाभ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, या सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पोलिटिकल पार्टीज का दिया गया। जो भी पोलिटिकल पार्टीज होती है उनके जो मेंबर होते हैं उनको ही उस ऑर्गेनाइजेशन का लाभ मिलता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो भी म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंतर्गत डेमोक्रेटिक फंक्शन पाई जाती है, और उनके अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंदर जितने भी वेरियस पोजीशंस होते हैं वो चुने जाते हैं, फिल्डअप किए जाते हैं, भरे जाते हैं। जैसे पोलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत जो भी पोजिशंस होंगे वो इलेक्शन के थ्रू यानी लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं जो अपने फायदे के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कही जा सकती है। और एक और चीज में इंक्लूड होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो शब्द याद रखिएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए ताकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। और इसके अंतर्गत जो भी ओनर होगा वो रिस्क भी बियर करता है, यानी खतरे भी उठाता है। तो आप सोचेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन। फॉर एग्जांपल, ये जो लड़का है वो बिजनेस कर रहा है, वो सोल प्रोप्राइटर है, तो इस बिजनेस के अंतर्गत जो भी रिस्क होगा वो कौन सहेगा, वो यही लड़का सहेगा, यानी ओनर जो होता है वो रिस्क बियर होता है, और रिवॉर्ड जो होता है, रिवॉर्ड इन द सेंस प्रॉफिट, तो जो रिवॉर्ड होता है वो भी ओनर ही लेता है। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन हो गया, ओनर, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन होगा, ओनर। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंडल्ज हो और वो रेगुलर बेसिस पे करता हो ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अब यहाँ पे हमको तीन टर्म्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको इन तीन टर्म्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। पहला है बिजनेस, दूसरा है इंडस्ट्री और तीसरा है कॉमर्स। बिजनेस, इंडस्ट्री और कॉमर्स तीनों को तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, यानी कि पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन तीनों टर्म्स का मतलब अलग है। बिजनेस एक ब्रॉड टर्म है, व्यापक शब्द है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री, उद्योग और वाणिज्य यानी कॉमर्स दोनों आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और कॉमर्स इज इक्वल टू होता है टी प्लस ए, यानी ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, यानी व्यापार और व्यापार में जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस इंडस्ट्री और कॉमर्स की एक साथ। तो बिजनेस इंडस्ट्री और कॉमर्स तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जब हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, मेन मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। तो बिजनेस इंडस्ट्री और कॉमर्स तीनों के तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस की। तो बिजनेस के अंतर्गत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी आते हैं, और याद रखिएगा बिजनेस के अंतर्गत प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस दोनों ही आते हैं, ताकि वो जो भी बिजनेस ओनर है वो प्रॉफिट अर्न कर सके। और बिजनेस के अंतर्गत रिस्क और अनसर्टेनिटी भी होती है, यानी कि रिस्क भी होता है और अनिश्चितता भी होता है। बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था बिजनेस के अंतर्गत इंडस्ट्री और कॉमर्स आती है, यानी बिजनेस एक ब्रॉड टर्म। तो बिजनेस का दो कॉम्पोनेंट है, बिजनेस को दो भागों में हम बांट सकते हैं, पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। याद रखिएगा इंडस्ट्री के अंतर्गत प्रोडक्शन आता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी रेगुलर बेसिस पे। इसके अंतर्गत भी रिस्क और जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, वो भी इसके अंतर्गत भी आती है। नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर भी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो आती हैं, जो रिलेटेड होती हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड, और ये भी रेगुलर बेसिस पे होती हैं, ताकि जो भी कॉमर्स के अंदर जो भी पार्टीज हैं वो प्रॉफिट अर्न कर सकें। और इसके अंतर्गत भी रिस्क होता है और अनिश्चितता भी पाई जाती है। तो तीन चीज आप क्लियर समझ लीजिए, बिजनेस के अंतर्गत क्या है? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन आता है, और कॉमर्स के अंदर गया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है। और आगे कॉमर्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। कॉमर्स क्या होता है? ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड, यानी कॉमर्स के अंदर दो कंपोनेंट है, दो भाग है, व्यापार और व्यापार में जो भी सहायक क्रिया है वो। तो सबसे पहले देखते हैं व्यापार क्या है। ट्रेड के अंतर्गत हम जो भी खरीद फरोक होता है, यानी परचेजिंग और सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसको इंक्लूड करते हैं। और एड्स टू ट्रेड के अंदर वो चीजें जो व्यापार में सहायक हो, जो कि हेल्पफुल हो ट्रेडिंग में। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, अगर आपका कोई बिजनेस है तो जरूर जाहिर सी बात है कि आप बैंकिंग सर्विसेज यूज करोगे। अगर आप सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसका इंश्योरेंस जरूर कराओगे। लॉस हो गया किसी तरीके का तो आप इंश्योरेंस से क्लेम कर सकोगे। आप एक जगह से गुड्स को दूसरी जगह भेजोगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा। अगर आप अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं तो ये भी होगा। तो व्यापार की जो भी सहायक क्रियाएं हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारे के सारे एड्स टू ट्रेड के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिजनेस क्या है? एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, माइक्रो नहीं है, मैक्रो है। याद रखिएगा मैक्रो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंतर्गत इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम ये कहते हैं कि व्हेन इंडस्ट्री एंड्स कॉमर्स बिगिंस, यानी कि जब इंडस्ट्री का काम खत्म हो जाता है तो कॉमर्स का काम स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री का काम क्या है? प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन हो गया तो उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा, और पहुंचाने का काम क्या करती है? ई कॉमर्स कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब करती है। तो ये कॉमर्स का पार्ट है ये। अब वापस आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी बेनिफिशियरी। मैंने बताया था कि प्राइमरी बेनिफिशियरी के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को चार भागों में बांटा गया। तीसरा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आप कुछ खरीदते फरूकते नहीं है, आप कुछ भी खरीद नहीं सकते वहां पे। जैसे आप बाकी स्टोर्स में कपड़े जूते ये सब खरीदते हो, हॉस्पिटल में आपको ये चीज नहीं मिलता। लेकिन आप हॉस्पिटल में क्या है, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी सर्विस ले सकते हैं। इसी तरीके से स्कूल और कॉलेज, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक तरीके का क्या है, नॉलेज गेन करने जाते हैं। आप जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो आपको क्या है पढ़ाते, तो आप उनकी सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड करती हो, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी प्राइमरी बेनिफिशियरी होता है वो व्यक्ति या पर्सन हो सकते हैं जो इनके कॉन्टेक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल स्कूल एंड कॉलेज की एग्जाम्पल अगर हम ले, तो जो स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज में जाते हैं वही उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस ले सकते हैं, यानी एजुकेशन उन्हीं को मिलेगा जो वहां तक जा सकते हैं। तो आप कहीं भी जाएं, स्कूल, कॉलेज या कहीं से भी आप कोई भी सर्विस लें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कही जाएगी। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण इस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात ये है कि इसके अंतर्गत जो भी क्लाइंट होते हैं वो प्राइमरी बेनिफिशियरी होते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन पे। या आप दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि जो क्लाइंट होते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है तो वो फुली डिपेंडेंट होगा डॉक्टर पे, जो कि प्रोफेशनल होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है कॉमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के हित के लिए काम करता हो, कॉमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके जो प्राइमरी बेनिफिशियरी होते हैं वो पब्लिक होते हैं, यानी कि वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो प्राइमरी बेनिफिशियरी क्या होगा, पब्लिक हो जाएगा। तो कॉमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मिलिट्री, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पैरामिलिट्री फोर्सेज या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉमन वेलफेयर
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लोगों के पैसे से यानी पब्लिक फंड्स पे ही चलती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन को चार भागों में बांटा गया है। पहला है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है पब्लिक कम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है कोऑपरेटिव सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मालिकाना हक और नियंत्रण जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड हो गवर्नमेंट के थ्रू, यानी जब सरकार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मालिकाना हक अपने पास रखती है और सारा नियंत्रण अपने पास रखती है तो उसको हम पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो आम सिटीजन के लिए यानी कि आम लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी और रेलवे, ये क्या है, एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो मेन उद्देश्य उनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, यानी कि उनको प्रॉफिट जनरेट करने के लिए वो बिजनेस में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओनरशिप और कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत प्राइवेट पार्टीज के पास होती है, यानी इंडिविजुअल या किसी कंपनी के पास ओनरशिप हो सकती है, सरकार के पास नहीं होगी, ये चीज याद रखिएगा। और मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल सोल प्रोप्राइटर, अब यहाँ ये बंदा जो है चाउमीन बेच रहा है तो ये समाज सेवा करने के लिए नहीं है बल्कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए है। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल हो सकता है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंतर्गत कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ विशेषताएं जो होती हैं वो पब्लिक सेक्टर की हो और कुछ विशेषताएं जो हो जो प्राइवेट सेक्टर की हो। अगर इन दोनों जो भी सेक्टर की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो उसको हम पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। याद रखिएगा कि जो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें जो भी इनकम होती है उसका कुछ पार्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए यानी आम जनता के भलाई के लिए होता है और कुछ पार्ट जो इंडिविजुअल के लिए जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताने की कोशिश की है जो सलमान खान की एक चैरिटेबल संस्था है बीइंग ह्यूमन, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो चैरिटी के लिए जाता है और कुछ हिस्सा इंडिविजुअल के लिए जाता है, सलमान खान को खुद को जाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑपरेटिव सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका ओन्ड ऑन कंट्रोल जो होती है वो कुछ ही लोग के हाथ में होती है, यानी जिनका नियंत्रण और जो मालिकाना हक है वो कुछ लोगों के हाथों में होती है। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, आपसी सहयोग, यानी जो आपस में अगर कुछ लोग हैं 8-10 लोग हैं या 20 लोग हैं अगर वो लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं किसी नीड को पूरा करने के लिए ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं तो उसको कोऑपरेटिव सेक्टर कहेंगे। तो कोऑपरेटिव सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि कुछ ही लोगों द्वारा ओन्ड एंड कंट्रोल होता है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोडक्ट हैं या सर्विसेज हैं उनको यूज करते हैं, उन्हीं के पास ओनरशिप भी होती है। यद्यपि जो भी कोऑपरेटिव होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं और उनका जो मेंबरशिप साइज है वो भी अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन सभी में एक चीज कॉमन होगी कि वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं और जो भी उनके मेंबर्स होंगे उनकी जो भी बदलती हुई नीड होगी चेंजिंग नीड होगी उनको पूरा करने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है साइज। अब ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग साइज के आधार पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मीडियम साइज और तीसरा है स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन। अब किस ऑर्गेनाइजेशन को हम स्मॉल कहेंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन को हम मीडियम कहेंगे और किस ऑर्गेनाइजेशन को हम लार्ज कहेंगे, इसके लिए अलग से लॉ बनाया गया है और उस लॉ के आधार पे हम कह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें ये पता करना है कि वो स्मॉल है मीडियम या लार्ज है तो वो दो तरीका हो सकता है, पहला तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, दूसरा प्रॉफिट कितना है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं समझने के लिए कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बिलो 20 लाख तो उसको हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, अगर 20-50 लाख है तो मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं और बिलो 50 लाख है तो उसको हम क्या कर सकते हैं लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कहा है, आप अलग से डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एंटिटी। तो लीगल एंटिटी के बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप फॉर्म, तीसरा है कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला ही व्यक्ति होता है जो मालिक होता है और बिजनेस और जो भी सारा काम होता है वो अकेले ही काम करता है उसका। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को करते हैं और पार्टनरशिप का जो भी अस्तित्व होता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत आता है और इसका डेफिनेशन
सेक्शन भी सेक्शन 4 के अंतर्गत दिया है, आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनीज। कंपनीज का भी गठन कंपनीज एक्ट 1956 के आधार पे किया जाता है या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के आधार पे, अभी 2013 के आधार पे भी कंपनी का गठन किया जा सकता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ लीगल एंटिटी। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब एरिया के आधार पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट तक ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है वो सीमित है तो उसको हम लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है स्टेट तक लिमिटेड है तो वो स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। इसी तरीके से नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो इंडिया तक ही है या किसी भी नेशन तक, किसी भी राष्ट्र तक है तो उसको हम नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो इंटरनेशनली तो उसको हम इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके के काम करती है उस आधार पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं, यानी बिजनेस एक्टिविटी के आधार पे हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत क्या आती है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आता है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत प्रोडक्शन आता है और कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है और ट्रेडिंग के अंतर्गत क्या आता है, बाइंग एंड सेलिंग आता है। तो बिजनेस एक्टिविटी के आधार पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन को बांट सकते थे। तो ये था क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।